रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए बारिश के बाधित मुकाबले के लिए पहले तो फैंस को घंटों इंतजार करना पड़ा। फिर 11:26 पर जब मुकाबला शुरू हुआ तो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने आते ही छक्के और चौके से सभी का मनोरंजन किया। तो कुछ ही देर बाद पारी के दूसरे ओवर में श्रेयस गोपाल ने लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट झटककर आईपीएल करियर की पहली हैट्रिक ले डाली। बता दें यह इस आईपीएल सीजन की दूसरी हैट्रिक है। उनसे पहले किंग्स इलेवन पंजाब के लिए सैम करन ने दिल्ली के खिलाफ हैट्रिक ली थी। ये सारा रोमांच आईपीएल 2019 के 49वें मैच में देखने को मिला। मैच में विराट कोहली और स्टीव स्मिथ जब टॉस के लिए उतरे तो सब कुछ ठीक था। स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन टॉस होने के तुरंत बाद ही बारिश शुरू हो गई। हालांकि कई बार बारिश शुरू हुई, लेकिन अंत में 11:26 पर संशोधित 5-5 ओवर का मैच शुरू हुआ। पहला ओवर करने आए वरुण अरोन को विराट कोहली ने छक्के से स्वागत किया, दूसरी गेंद पर भी छक्का लगाया। इसके बाद एबी डिविलियर्स ने 2 चौके लगाए और इस ओवर में कुल 23 रन बन गए। इसके बाद लगा कि अगले ओवर में भी कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे और पहली 2 गेंदों पर ऐसा हुआ भी। लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल को कप्तान विराट ने लगातार 2 गेंदों पर छक्का और चौका लगाया। तीसरी गेंद पर विराट ने 2 रन लिए, लेकिन इसके बाद जो विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ तो गोपाल हीरो बन गए। उन्होंने 4थी गेंद पर विराट कोहली को लिविंगस्टन के हाथों कैच कराया। अब अगली गेंद यानी ओवर की 5वीं गेंद पर 360 डिग्री कहे जाने वाले एबी डिविलियर्स की बारी थी। इस साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने भी हवाई शॉट खेला जो सीधे रियान पराग के हाथों में जा समाया। वह 4 गेंद पर 2 चौके की मदद से 10 रन बनाकर आउट हुए और अगली गेंद पर मार्क स्टोइनिस का विकेट गिरा, वह खाता भी नहीं खोल सके। इस तरह श्रेयस गोपाल ने आईपीएल 2019 में हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।